वालेकुम मैंने वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हमारा शो जो है वो ट्यून करके बैठ जाएंगे क्योंकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली लेकर आते हैं। सुबह सुबह दिन का आगाज हो आपका अच्छा हो, हमारी भरपूर कोशिश होती है, रिसर्च भी शेयर करते हैं। और आज हम आपकी स्किन के हवाले से डिस्कस करने वाले कि आपकी नींद जो है, आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है, वो आपकी स्किन पर कितना अच्छा या बुरा इम्पैक्ट डालती है और आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, इस पर डॉक्टर अलीकाज भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो आपने शो बिल्कुल ट्यून करे रखना है, लेकिन उससे पहले हम आपके साथ रिसर्च शेयर करते हैं। चलिए आपको बताएं कि आज मारूफ शायर और अदीब की बात की जाए, रईस अमरोही की, तो उनकी आज 30वीं बरसी मनाई जा रही है। शायर थे, कॉलम नगार थे, दानश्वर थे और इसके साथ साथ उर्दू जुबान से बेहद लगाव रखते थे। कतई नगारी में भी उनको बहुत एक अहमियत के हामिल इंसान थे। यही वजह है कि मुल्की सतह पर और गैर मुल्की सतह पर कतई नगारी आपकी वजह शोहरत भी बनी। रईस अमरोही की बात की जाए तो उन्हें नसर निगारी पर भी खासा अबूर हासिल था। 12 सितंबर 1914 को हिंदुस्तान के शहर के अबी घराने में पैदा हुए और उनके जो वालिद थे सैयद शफीक भी, वो भी शायर और एक आलिम थे। जनाब रईस अमरोही का जो असल नाम था वो सैयद मोहम्मद मेहदी था और उन्होंने अपनी अमली जिंदगी का आगाज जो है वो सहाफत से किया। उसके बाद वो कई जो पार्टीशन के बाद कई रिसाले निकले, उसमें भी उनकी जो है वाबस्तगी रही उनके साथ, और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद जो वो पाकिस्तान आए और फिर यहीं के होके रह गए। रईस अमरोही के शायरी मजमुओं में अलिफ, पसे गुबारा, लाल सेहरा, मलबूस बहार, आसार और किताब के चार मजमुए शामिल हैं, जबकि उनकी नफ्सियात के मौजूदात पर भी एक दर्जन से ज़ायद तसानीफ हैं। जनाब 22 सितंबर 1988 को नामालूम अफराद की फायरिंग से जो है ये अदब से मोहब्बत करने वाला शख्स दुनिया से रुखसत हो गया। इनके हवाले से इनकी जो तसानीफ है, इनकी जो कतई नगारी है, उस पर इनको बहुत अबूर हासिल था। और इनकी जो पॉपुलैरिटी की असल वजह भी है वो भी इनकी कतई नगारी है, उनके जो मजमूआत हैं वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज इनकी 30वीं बरसी मनाई जा रही है, इस हवाले से हमने आपको बताया। लेकिन इसके साथ साथ जनाब आपके साथ हम दुनिया भर से कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च भी शेयर करते हैं। दुनिया में बहुत ज़बरदस्त किस्म के आर्टिस्ट हैं जो अपने फनपारों से बहुत ज़्यादा जो कह लें पॉपुलैरिटी भी हासिल करते हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है, अपलोड किया और उसके बाद आप बैठे बैठे आपको हज़ारों लाखों की तादाद में लोग देखते हैं। तो ऐसा ही कुछ शाहकार बनाए जनाब रूस के एक माहिर आर्टिस्ट ने, जिसने पेंसिल के लेड पर, जो पेंसिल का लेड होता है, उस पर मुनफरद फनपारे बनाए और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंतहाई बारीकी और नफासत से तैयार किया गया है और इसके कई हफ्तों की मेहनत के बाद ये एक फन पारा तैयार किया जाता है। इस फनकार ने इस मुनफरद आर्ट के नमूनों में पेंसिल को तराश कर ना सिर्फ अंदर मौजूद जो ग्रेफाइट होता है इस पर इंतहाई जो है वो छोटी और दिलचस्प शक्ल की शक्लें बनाई, बल्कि जो है एक बारीक नोक पर ताला, चाबी, मुजस्मे, तलवार, घड़ी आप देख सकते हैं, ये सब कुछ नजर आ रहे हैं और ये आर्टिस्ट की महारत का मुंह बोलता सकता है। नो डाउट इस लेड को हम देखते हैं और कितनी बारीकी से जनाब ये बुर्ज खलीफा भी बनाया गया है, ताला है, चाबी है, कप भी बना हुआ था एक, मैं अभी देख रही थी। तो डेफिनेटली ये बहुत एक बारीक बीनी का काम है, बहुत महारत का काम है। तो ये आर्टिस्ट जो है रूस से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको अपलोड किया और उसके बाद लाखों लोगों ने इसको देखा। डेफिनेटली ये जो है दाद के मुस्तहिक हैं। आज हम आपकी स्किन, आपकी नींद के हवाले से बात करने वाले हैं। अमूमन हम लोग देखते हैं कुछ लोगों की आंखें थोड़ी पफी हुई हों या डार्क सर्कल्स हुए हों, स्किन पे थोड़ा डल सी हुई हो, तो हम कहते हैं तुम्हारी नींद भी पूरी हुई। तो डेफिनेटली नींद का ताल्लुक जो है वो आपके उससे भी बहुत ज़्यादा है। जनाब नींद जो है वो कितनी ज़रूरी है आपके लिए, तो उसके लिए और आपका जो स्लीपिंग साइकिल है वो आपकी ब्यूटी पे किस तरह से असरअंदाज होता है, ये आज हमें बताएंगे डॉक्टर अली काजमी। वेलकम टू द शो डॉक्टर अली काजमी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, नॉर्मली हम देखते हैं कि नींद का ताल्लुक जो है हमारी स्किन से, ब्यूटी से बहुत ज़्यादा होता है। स्किन हेल्दी होगी तो नींद भी पूरी होनी चाहिए, तरह ये जो आपस में रिलेशन है इस पर डिफाइन कर लें। सबसे पहले तो याद रखें किसी भी चीज़ के अगर आपने करना है स्किन पे, कोई जो भी आ रही हैं अलामत वो तो बाद में आ रही हैं नेचुरल नींद की वजह से जो कि पूरा नहीं हो रहा। आपको पहले वजह ढूंढनी है कि नींद क्यों नहीं आ रही, उसकी चंद वजूहत होती हैं। कोई इंटरनल प्रॉब्लम है इंसान को, कोई बीमारी है, क्रॉनिक इलनेस है, लंबी बीमारी चल रही है उसकी वजह से नहीं हो रहा, कोई डिप्रेशन है लोगों को शिकार होते हैं, या कोई बहुत ओवरडोज टैबलेट्स ले रहे होते हैं डिफरेंट किस्म की, उससे नींद उड़ जाती है इंसान की, तो या कोई रात को समझे लेट नाइट कॉफ़ीज पी ली, चाय पी ली, या कोई इस तरह की आपको रीज़न देखना है, तो हॉर्मोन्स का रीज़न बन रहा है फीमेल्स के अंदर या क्या चीज़ बन रही है,
तो आप जब तक पहले रीजन नहीं ढूंढेंगे तो ये चीज ठीक नहीं होगी। वो तो फिर गोली दी और सुला दिया बंदे का, तो ऐसा हुआ। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पहले वो रीजन ढूंढने के क्या है, क्योंकि उसके बाद इतने ज्यादा इसके प्रॉब्लम्स हैं कि अगर एक दफा अगर इंसान को नींद आए, मैं चलें आप ही से अगर मैं कहूँ कि आपका एक दिन खराब हो जाए, आपको नींद आए, आपका सुबह इतना बुरा हाल होगा। ऐसा ही होता है, इवन आप लेट सो जाएं तो एग्जैक्टली लेट सो जाएं तो इतना बुरा हाल होता है। उस पर स्किन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है फेस पे, याद रखें, क्योंकि फेस हमारा इट इज अ पासपोर्ट टू एंटर कंट्री लाइक दिस। इट्स अ फेस जो है इसी को लोगों ने देखना होता है, बाकी बॉडी तो देखी होती है नेचुरली। तो फेस पे सबसे ज्यादा कुछ चंद प्रॉब्लम्स हैं जिसने अपनी आपने दो तीन तो आप ही ने बोल दी, जिनका ताल्लुक बनता है नींद के साथ। एंड नींद पूरी ना हो तो याद रखें उसमें इंसान को सारा दिन एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई और वो सब आपके चेहरे पे आया हो जाती हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल जैसे पिगमेंट, आप नहीं सोया कोई तो मुरझाई हुई जल्द जो होती है, आप देखें इंसान की जल्द बिल्कुल मुरझाई होती है, फ्रेशनेस नहीं है, यकदम अगला पूछता है कभी क्या पता रात आपने नींद नहीं ली पूरी, आप यकदम पूछते हैं उससे बंदे से। तो सबसे पहले मुरझायापन, अगर किसी के चेहरे पे छाइयां, पिगमेंटेशन, निशानात हैं, काले निशान वो बढ़ जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हुई आपकी उसकी। फिर वेरी इंपॉर्टेंट दो चीज़ें जो आपने खुद अपनी बोल दी, जिसमें एक है डार्क सर्कल अराउंड द आईज। वैसे तो आप देखें ना ये क्या डार्क सर्कल तो और चीजें खानदानी होते हैं, ये खानदान में पेरेंट्स से आप डार्क सर्कल नींद से भी डेफिनेटली नींद से बढ़ जाते हैं। हम हमेशा मरीज को कहते हैं कि अपनी हैबिट्स ठीक करें, वो कहते हैं हैबिट से क्या मुराद है, हम कहते हैं खाना पीना सोना नींद पूरी करें। आप नींद करेंगे आपके डार्क सर्कल अराउंड द आईज जो है दे विल बिकम बेटर, बेटर हो जाएंगे, ठीक का नहीं हम कहते वो, उसकी खैर ट्रीटमेंट्स और अलहदा चीज है स्टोरी। फिर सेकंड क्या होता है कि पफीनेस ऑफ द आईज। अब देखिए इंसान उठते हैं तो आईज के नीचे बहुत पफीनेस आ जाती है उनके, ठीक है रीजन और होता है मगर पफीनेस बढ़ जाती है। तो हमेशा मैं एक चीज बताता हूँ कि जो चीजें हैं ये होती हैं आपकी डिजीजेस बॉडी के अंदर से डेवलप होती हैं, मगर वो नींद ना होने से बहुत बढ़ जाती हैं। दे एग्जेजरेट बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो फेस पे तो ये जैसा मैंने दो चार आपको बताई हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो अब रिलेटेड टू नींद ना आए और बंदा सारा दिन स्ट्रेस में रहे, एंग्जाइटी में रहे, तो बहुत ज़्यादा कॉमन हमने देखा है बालों का गिरना, बहुत कॉमन देखा है, क्योंकि नींद नहीं आई, आप स्ट्रेस में हो, परेशानी हो, नींद नहीं आई, काम करना है या जो भी इंसान का जॉब वर्क है आपका पूरा नहीं हो रहा, आप स्ट्रेस में जाते हैं, जिसके लिए आप टैबलेट्स लेते हैं। अब टैबलेट्स में जो लोग लेते हैं वो एंग्जियोलिटिक्स जो एंग्जाइटी को दूर करती हैं या सोने की जिनको हम सेडेटिव्स कहते हैं। अब ये दो चीज़ें हैं कि जो चलें एंग्जियोलिटिक्स तो लेनी चाहिए ताकि बंदे की एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस वो दूर हो इंसान का, फिर आपको नींद आ सकती है ना। आपने उसको तोड़ दिया, अपने स्ट्रेस साइकिल को आपने तोड़ा, क्योंकि अगर स्ट्रेस साइकिल नहीं टूटेगा तो हेयर फॉल इज वेरी कॉमन चीज़। और हेयर फॉल भी दो तीन तरीके का आता है इसके अंदर। एक तो हम स्ट्रेस के साथ देखते हैं कि जो ना इस तरह की चीज़ें हों और प्रॉब्लम चल रही हों तो राउंड शेप में बाल उतरते हैं सर के अंदर से, गोल गोल बाल उतरने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल जिस तरह एक राउंड सर्कल सा होता है उस तरह, जिसको हम अपनी जबान में एलोपेशिया कहते हैं बहरहाल। तो वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। फिर कुछ बच्चों में, अगर वो तो एक अलहदा चीज़ है, कुछ बच्चों में जिनके साथ बहुत ज़्यादा ओवरनाइट सारा सारी रात वो बैठ के पढ़ते रहते हैं, सुबह उठना है, जल्दी उठना है, करना है, अब देखिए उनकी हैबिट्स सबसे ज़्यादा ख़राब होती हैं बच्चों की। और बच्चों के अंदर अगर किसी को एक्नी, कील, मुहासे हैं तो ये बढ़ जाते हैं। क्यों? कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आप बच्चे यानी कि अगर पढ़ाई की टेंशन है, स्ट्रेस, ऊपर से नींद पूरी नहीं हुई, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी नींद नहीं हुई, अब ये सर्कल स्टार्ट हो जाता है। स्किन में ये प्रॉब्लम है कि आप एक चीज़ का सर्कल पीछे से स्टार्ट हो जाता है एंड देन इट गोज ऑन एंड ऑन, फिर आपके बाल भी उतरने शुरू हो गए, आपके चेहरे पे एक्नी जो है, कील, मुहासे जो हैं ये बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पे आने शुरू हो जाते हैं। फिर आपकी ऑयली स्किन अगर है तो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो जाएगी। फिर अगर ड्राई स्किन है तो टूवर्ड्स ड्राइनेस, यानी कि जिस तरह का आपका है नींद अगर पूरी नहीं हो रही आपकी वही चीज़ बढ़ जाएगी, और अगर वो चीज़ बढ़ेगी तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रॉब्लम आती है मरीजों के अंदर फेस पे, जो कि हर शख्स कहता है कि भाई चेहरा मेरा ठीक हो जाए बाकी बॉडी के खैर है, दैट इज़ रिंकल्स। जब रिंकल्स छोटे छोटे आँखों के अराउंड चेहरे पे, अब देखिए क्योंकि मैंने जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि चेहरा मुरझाया होता है इंसान का, उसी में क्या होता है कि रिंकल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, आपकी हाइड्रेशन ऑफ द स्किन गायब हो जाती है, आपका जो वाटर लॉस है पानी का वो ज़्यादा हो जाता है आपका उसमें से,
जिसकी वजह से आपकी श्रिवल्ड स्किन हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, बिल्कुल मुरझाई स्किन हो जाती है। अब जो रिंकल्स इसमें हो जाते हैं, मैं हमेशा उनको कहता हूँ उन लोगों में कि ये एक टेम्परेरी ड्राइनेस की वजह से ये रिंकल्स आते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर किसी की नींद पूरी नहीं हो रही, पहले तो वो अपना एक ट्रीटमेंट करें, समझें जो उन्होंने करना है, गोली खानी है या अपने हॉर्मोन्स को चेक कराना है या कोई और प्रॉब्लम चल रही है, क्रॉनिक इलनेस है, उसको ज़रूर साथ उसका ट्रीटमेंट करें। प्लस साथ में स्किन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आप हाइड्रेट करें स्किन को। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने भी इतनी अच्छी टिप्स दी। जनाब अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमें।